सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह वीडियो जो है लोकतंत्र, जो कि नवंबर का लिया गया है। तो नवंबर का लोकतंत्र का पहला अध्याय लोकतंत्र का क्रमिक विकास। तो आज जो है हम लोग लोकतंत्र का क्रमिक विकास पर विशेष चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र क्या है, किसे कहते हैं, ठीक ना, इसमें जनता की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों, आज हम आप लोग को बता देते हैं, पहले भी उसको जो है रिवाइज करते हैं कि हमारा जो इतिहास का सब्जेक्ट है, इतिहास के सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर जो है संपूर्ण हो चुके हैं। भूगोल का भी जो चैप्टर्स है लगभग संपूर्ण हो चुके हैं। इसमें आपदा प्रबंधन हमको पढ़ाना है, जो कि आपदा प्रबंधन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसको भी हम पढ़ा देंगे। और आज का जो मेरा चैप्टर है वह लोकतंत्र का क्रमिक विकास है। इसमें सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा को जानेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, ठीक ना। लोकतंत्र क्या है, देखिए बच्चों, इसने लोकतंत्र के अपने परिभाषा लिखा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा जनता पर ही संचालित होती है, ठीक है बच्चों। तो लोकतंत्र जो है वह जनता के द्वारा जनता पर ही संचालित होती है। जैसे जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव में भाग लेती है और अपने पसंदीदा व्यक्ति का चुनाव करती है, जो कि किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े रहते हैं, पार्टी से जुड़े रहते हैं। वे लोग जब भी बहुमत में जो भी राजनीतिक पार्टी आती है, वह राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है और सरकार बनाकर जनता के समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। राजनीतिक पार्टियां जो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे भाजपा, कांग्रेस, राजद, जदयू, लोजपा इत्यादि इत्यादि पार्टी है, ठीक ना। बहुत से भारत में पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टी को जो है लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी को लोकतंत्र का रक्त माना जाता है, खून माना जाता है, ठीक ना। राजनीतिक पार्टी जो भी है उनका अपना अलग अलग एजेंडा होता है, मुद्दा होता है और अलग अलग मुद्दे पर जनता को जो है अपने तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं, ठीक ना। कोई पार्टी जो है अपना अलग मुद्दा एजेंडा रखता है, दूसरा पार्टी जो है अपना अलग तरह से जनता को जो है रिझाने का प्रयास करता है और सारे जो है पार्टियां मिलकर एक सरकार का जो है गठन करती हैं। सारी पार्टियां, कुछ पक्ष पार्टी होती है, कुछ विपक्ष पार्टी होती है, कुछ गठबंधन की पार्टी होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है, अभी जैसे भाजपा है, भाजपा के साथ बिहार में जदयू का गठबंधन है, हम हैं और लोजपा है, तो इस तरह से पार्टियां हैं। जैसे राजद के साथ जो है कांग्रेस है, ठीक ना, इत्यादि इत्यादि पार्टियां हैं, तो इस तरह से मिलकर गठबंधन की पार्टियां होती हैं। जैसे कि जब एक राजनीतिक पार्टी, जब एक से अधिक राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में लड़ती आती है और सरकार गठन करे या ना करे, चुनाव मैदान में लड़ती है, उसे गठबंधन की पार्टी कहते हैं। गठबंधन की सरकार जो अगर दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टी बहुमत प्राप्त करने के बाद अगर सरकार का गठन करती है तो उसे गठबंधन के सरकार कहा जाता है। तो बच्चों, आप लोग राजनीतिक दलों के बारे में भी जान गए, लोकतंत्र के बारे में जान गए,
लोकतंत्र में जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, अपने मन पसंदीदा व्यक्ति का चुनाव करती है, अपने मताधिकार का प्रयोग करती है। कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र के बाद वयस्क माना जाता है, ठीक ना। 18 वर्ष का जो व्यक्ति हो जाता है तो उसके बाद फोटो पहचान पत्र निर्वाचन आयोग के द्वारा उसे निर्गत किया जाता है और वह व्यक्ति का नाम निर्वाचन मतदान पहचान पत्र के द्वारा उसे प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। वह प्राप्त करके अपने क्षेत्र में जो है वोट देने का कार्य करता है। एक व्यक्ति एक ही मत देता है और जो है अपने मतों का प्रयोग करके किसी भी पार्टी को जो है वह बहुमत प्राप्त करने में मदद करता है। तो इस तरह से ये पार्टी जो है जीतती है तो सरकार गठन करती है, यदि नहीं जीतती है तो विपक्ष में रहती है। यही राजनीतिक पार्टियाँ हैं। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास, तो बच्चों हम ऐसे भी जानते हैं इतिहास के ऊपर है। इतिहास में मानव के बारे में पढ़ते हैं कि मानव प्राचीन समय में जंगलों में रहता था, पेड़ की जो है छाल पहनता था, कच्चे मांस को खाता था, ठीक ना, पहाड़ की गुफाओं में रहता था। इस तरह से जो है उसके क्रमिक विकास भी हुआ है। धीरे धीरे प्राचीन काल से मध्यकाल में आया है, मध्यकाल से आधुनिक काल में मानव का जीवन आया है। उसी तरह से लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है। धीरे धीरे जो है जनता में मनुष्यों में जो है इसके जैसे पहले लोग जो है कबीला रखते थे, कबीले में जो है अपने सरदार का चुनाव करते थे। धीरे धीरे परंपरा जो है गाँव में आई, गाँव में पंचायत सरपंच मुखिया का चुनाव हुआ। उससे तरह से धीरे धीरे जो है आगे तरफ विकसित हुआ और आज जो है लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। यही लोकतंत्र का क्रमिक विकास कहलाता है। तो बच्चों आप लोगों जो है आज के वीडियो में हम जो भी लोकतंत्र के बारे में बताने का प्रयास किए हैं, आप लोग किताब के माध्यम से घर पर जो है उस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे और लोकतंत्र का जो है डेफिनेशन जो भी है वो आप लोग लिखेंगे। अपना हम लिखने के द्वारा भी उसे लोकतंत्र को अपने तरह से संबोधित किया गया है। अलग जो है अलग अलग विद्वान भी जो है अपने शब्दों के द्वारा लोकतंत्र प्रभावित करने का प्रयास किया है। तो आज आप जो है इस चैप्टर को निश्चित रूप से घर पर पढ़ेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में जब हम आपको पढ़ाएँ तो आप लोग को अच्छे ढंग से समझने चैप्टर आ जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।